सो हेलो फ्रेंड्स, अर्निंग पैसे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फीविन एप्लीकेशन में आपको रिचार्ज कैसे करना है। आपको लाइव रिचार्ज करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहो फास्ट से लेकर लास्ट तक, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, फीविन एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप गेम खेल के पैसा अर्न कर सकते हो। तो इसका एक अलग वीडियो मैं लाऊंगा इस चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो बात करते हैं इस एप्लीकेशन में आपको रिचार्ज कैसे करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में जो कलर प्रेडिक्शन गेम है, माइंड स्वीपर गेम है, डाइस गेम है, अंदर बाहर गेम खेल के पैसा अर्न कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन आपको इंस्टेंट पेमेंट भी देता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन में आपको रिचार्ज कैसे करना है। रिचार्ज करने के बाद यहाँ पर आपको कैसे गेम प्ले करना है वो भी मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर इस एप्लीकेशन में गेम खेल के पैसे अर्न करना चाहते हो, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फीविन एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको रिचार्ज कैसे करना है। ऊपर में देखो रिचार्ज वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो फीविन एप्लीकेशन में जो रिचार्ज वाला प्रोसेस है यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो आप 28 रुपीज़ से 50,000 तक यहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 50 रुपीज़ यहाँ पर रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो जो 50 रुपीज़ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, 50 रुपीज़ डालने के बाद आपको रिचार्ज कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 250, यहाँ पर 1100, यहाँ पर 3000, 10000, 45000, जितना चाहो रिचार्ज कर सकते हो, 50,000 तक यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं 50 रुपीज़ डाल दिया। 50 रुपीज़ डालने के बाद यहाँ पर देखो रिचार्ज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो फोन पे है, पेटीएम है और अमेजोन पे है, आप जिससे भी चाहो यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पेटीएम से यहाँ पर रिचार्ज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं पेटीएम सिलेक्ट कर लिया। पेटीएम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एक यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे ओपन ऐप टू पे 50, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर दो नीचे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा फीविन एप्लीकेशन का, ठीक है। यहाँ पर देखो पेटीएम है, यहाँ पर देखो पेटीएम आ गया। अगर आप पेटीएम से यहाँ पर रिचार्ज करना चाहते हो तो पेटीएम से कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं पेटीएम से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो जो पेटीएम है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से मैं जाता हूँ इस एप्लीकेशन में। जाने के बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एक यूपीआई आईडी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखो पेटीएम, ऊपर में देखो HRUDA123456@YBL, ये जो यूपीआई आईडी है इसको कॉपी कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इस यूपीआई आईडी को। कॉपी करने के बाद मैं पेटीएम एप्लीकेशन में जाता हूँ। पेटीएम एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखो जो सेंड मनी और बैंक अकाउंट है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं जो वहाँ पर से जो यूपीआई आईडी मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद उस यूपीआई आईडी में मैं 50 रुपीज़ सेंड कर देता हूँ। तो सेंड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मैं यूपीआई आईडी डाल दिया और यहाँ पर प्रोसेस वाला ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो 50 रुपीज़ ऐसे मैं सेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 50 रुपीज़ डाल देता हूँ। 50 रुपीज़ डालने के बाद यहाँ पर मैं पे 50 रुपये क्लिक कर देता हूँ। पे 50 रुपये क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो UPI पिन है, UPI पिन डाल दिया और इसको मैं सक्सेस कर देता हूँ। ये पेमेंट मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग है मनी और यहाँ पर मैं सक्सेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो जो लिखा है व्यू डिटेल्स, यहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो अब क्या करना है, अब आपको जाना है उस एप्लीकेशन में, फीविन एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर देखो मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर देखो जो अपलोड वाला ऑप्शन है यहाँ पर देखो प्लस आइकॉन पे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी स्क्रीनशॉट लिए हो यहाँ पर अपलोड कर दो। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो नीचे अपलोड नाउ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पर के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखो गैलरी है, गैलरी सिलेक्ट कर लेना और जो भी यहाँ पर आपका जो स्क्रीनशॉट लिए हो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप पेस्ट कर दो, मतलब यहाँ पर आप सेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो अपलोड हो रहा है। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर देखो नीचे एक सेकंड चलेगा, यहाँ पर फीविन रिचार्ज एजेंट प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद आपका रिचार्ज सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेकंड चल रहा है, सेकंड चलने के बाद यहाँ पर जो भी देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। 50 रुपीज़ मेरा रिचार्ज यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर देखो गुड लक ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देखो मेरा 50 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो चुका है, ऊपर में आप देख सकते हो, ठीक है। 9 रुपीज़ बैलेंस था पहले, अभी 50 रुपीज़ ऐड हो चुका है, अभी 59 रुपीज़ बैलेंस है। तो ऐसे करके आपको फीविन एप्लीकेशन में रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने के बाद यहाँ पर आप रिचार्ज करने के बाद इस एप्लीकेशन में गेम खेल के पैसे अर्न कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन में आपको डेली चेक इन का भी ऑप्शन
ऑप्शन मिलता है डेली चेक इन करके भी ऐसा पैसा अर्न कर सकते हो, और आप यहाँ पर गेम खेल के पैसा अर्न कर सकते हो डेली चेक इन करके भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो फास्ट प्रायोरिटी गेम है, माइंड स्वीपर गेम है, डाइस गेम है, अंदर बाहर गेम है, प्रायोरिटी गेम है, बहुत सारा गेम है यहाँ पर खेल के पैसा अर्न कर सकते हो। तो मैं इसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और यहाँ पर देखो नीचे इन्वाइट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर इस एप्लीकेशन किसी फ्रेंड को इन्वाइट कराते हो तो आपको यहाँ पर 311 आपको इनकम मिलता है इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन किसी फ्रेंड को इन्वाइट कराते हो तो यहाँ पर देखो माय लिंक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो कॉपी लिंक एंड शेयर, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना लिंक को कॉपी कर लो और अपने फ्रेंड को शेयर कराओ। अगर वो फ्रेंड यहाँ पर अकाउंट करता है और यहाँ पर गेम प्ले करता है तो आपको कमीशन मिलता रहेगा। यहाँ पर मेरा देखो नीचे जो कमीशन मुझे यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कमीशन जो बैलेंस होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये पैसा आप यहाँ से विथड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हो जाता है फी विन। यहाँ पर आप कलर प्रेडिक्शन, माइंड स्वीपर, यहाँ पर फास्ट प्रायोरिटी, अंदर बाहर प्रायोरिटी, यहाँ पर बहुत सारा गेम है खेल के पैसा अर्न कर सकते हो। ये देखो जो कलर प्रेडिक्शन गेम है यहाँ पर खेल के पैसा अर्न कर सकते हो। तो इसका एक अलग वीडियो लाऊंगा, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो आज इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग अर्निंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।